नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह पिछले कुछ वक्तों से बीमार चल रहे हैं। दरअसल मिक्का सिंह ने खुद बताया कि उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो कई सारे प्रोग्राम को नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं मिक्का सिंह को 15 करोड़ का नुकसान हो गया है। बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से। बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे हैं। मिक्का सिंह ने खुद बताया कि उनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे में वह कई सारे कार्यक्रम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सिंगर ने बताया कि अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अपने कंसर्ट पोस्टपोन करने पड़े, जिसकी वजह से उन्हें 15 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। दरअसल मिक्का इन दिनों वर्ल्ड टूर पर थे। सिंगर ने बताया कि बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल आराम नहीं दिया, जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मिक्का ने अपनी सेहत के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरे 24 साल के करियर में ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे मेरे शोज पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं यूँ तो हमेशा से ही अपनी सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहता हूँ, लेकिन बीते दिनों मैंने US में बैक टू बैक शोज किए, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मिक्का ने बताया कि वह अमेरिका के डलास में परफॉर्म कर रहे थे, उस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें मना किया, अब वह ना तो अगले शोज के लिए 25 घंटे का ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ना ही वह ठीक होने तक इंडिया आ सकते हैं। मिक्का सिंह ने बताया कि इसी कारण से वह भारत नहीं लौट पा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि शो टालने करने के चलते उन्हें 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे कई लोगों के पैसे लौटाने पड़े हैं, हमारे बैक टू बैक कार्यक्रम थे, लेकिन मुझे खुशी है कि सभी ने मेरा सपोर्ट किया और फैंस ने भी मेरा प्रॉब्लम समझा। मिक्का ने यह भी कहा कि लाइव शो के नाम पर CD या लिपसिंग करने की जगह मुझे कार्यक्रम को पोस्टपोन करना पड़ा, ज़्यादा ठीक नहीं लगा। अगर मैं आजकल के सिंगर की तरह ऐसा करता तो मेरी अब तक की सारी मेहनत, इमेज सब खराब हो जाता। मिक्का ने यह भी बताया कि उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा, मैं इस हफ्ते से अपना काम और रिकॉर्डिंग शुरू करने का प्लान बना रहा हूँ। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जरिए मैं अपने नुकसान की भरपाई कर लूँगा। उसके बाद मैं बाली, सिंगापुर, मलेशिया, जकार्ता जैसी जगहों पर भी कार्यक्रम करूँगा। मेरे ज़्यादातर शोज अब अगले साल जनवरी या फरवरी में होंगे। मिक्का ने यह भी बताया कि इस हादसे से उन्होंने सबक सीखा है कि वह कभी भी इतने सारे कार्यक्रम को एक साथ नहीं करेंगे, इससे उनका और ऑर्गेनाइजर्स दोनों का नुकसान होता है। एक बार फिर से बता दूं कि बॉलीवुड सिंगर मिक्का सिंह पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे हैं। मिक्का सिंह ने खुद बताया कि उन्हें गले में इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे में वह कार्यक्रम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सिंगर ने बताया कि अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अपने कार्यक्रम को पोस्टपोन करने पड़े, जिसकी वजह से उन्हें 15 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। दरअसल मिक्का इन दिनों वर्ल्ड टूर पर थे। सिंगर ने बताया कि बिजी शेड्यूल के चलते उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल आराम नहीं दिया, जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। जैसा कि मिक्का सिंह का साफ तौर पर कहना है कि मुझे ये सबक मिल गया है कि एक साथ इतने सारे कामों को हाँ नहीं करना चाहिए, और जिससे मेरा भी नुकसान है और जिसने मुझे वो काम दिया है उसका भी नुकसान है। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि आगे से एक साथ इतने सारे कामों को हाँ ना करूँ। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।